हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक फेस पैक शेयर कर रही हूँ। ये है फेस पैक टीनेज गर्ल के लिए, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फेस पैक बनाया है मैंने। और रिसेंटली अभी आने वाला है वैलेंटाइन डे, तो उन लोगों का जो मेकअप होगा वो फ्लॉलेस नज़र आएगा। ये वाला फेस पैक अगर आपको लगा लेती हैं टीनेज गर्ल्स, तो बहुत ही अच्छा उनका अच्छा आएगा उनका जो मेकअप, जो भी वो करना चाहें। जैसे भी आप ज़्यादा मेकअप सिंपल, जितना सिंपल रहते हैं ना टीन गर्ल्स, उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। ज़्यादा टामझम नहीं करना चाहिए, मतलब अच्छा ही होता है, लेकिन अगर जिनको करना अच्छा लगता है मेकअप तो वो कर सकते हैं। बट ये फेस पैक बहुत ही अच्छा है और इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने इसमें इस्तेमाल की हैं, बहुत ही कम इनके साथ मैंने बना दिया है। और हाँ, ये आपकी स्किन को बहुत जल्दी से, आपको जैसे मेकअप से पहले आप इसको लगा लीजिए, उसके बाद आप मेकअप कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा मेकअप लंबे समय तक रहेगा। और लंबे समय के साथ रहने के साथ साथ, मतलब आप लगा लोगे ना, उसके बाद ग्लो बहुत अच्छा आएगा। ग्लो चाहते हो, अच्छी क्लास स्किन चाहते हो, तो डेफिनेटली इस पैक को ज़रूर लगाइएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे, टीनेज गर्ल के लिए स्पेशल है, तो वो लोग भी लाइक कर सकती है, शेयर कर सकती है फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मुझे बहुत सारी टीनेज गर्ल भी देखती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी न्यू व्यूअर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन आएगा, उसके पास ही बेल आइकन होता है, जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो ना, उसके साथ में ही बेल आइकन होता है, तो उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का, और आप चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप जैसे देख रहे हो कि मेरा फेस एकदम क्लीन है, मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया है। तो अभी मैं बताऊंगी आपको कि इसको किस तरह से अप्लाई करना है। गाइस, मैं बताने जा रही हूँ एक फेस पैक जो है टीनेज गर्ल के लिए, और अभी वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो उन लोगों के लिए स्पेशल पैक है, और बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा इसको लगाने के बाद। और आप टीनेज गर्ल्स जो है ना, कि पैक लगाने के बाद, बस बहुत छोटा सा टाइनी माइनी सा पैक है ये, लेकिन इसके बाद आप मेकअप करोगे ना, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा और बहुत ही ग्लॉसी आपका फेस दिखेगा। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ चंदन पाउडर, वन टू स्पून, डेढ़ स्पून होगा ये, तो डेढ़ स्पून मैं ले रही हूँ चंदन पाउडर। उसके बाद मैं ले रही हूँ रॉ मिल्क मैंने इतना ही लिया है, थोड़ा ही ले रही हूँ। और उसके बाद मैं लूँगी एलोवेरा जेल, और आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हो, अगर आपको जेल नहीं लेना है तो आप स्किप भी कर सकते हो, बट मैं इसमें एलोवेरा जेल डाल रही हूँ, थोड़ा ही डालूँगी, ये देखिए इतना ही डाल रही हूँ मैं। आप पतंजलि का ले सकते हो, और ले रही हूँ मैं लेमन जूस, और लेमन जूस ना आपको आपकी स्किन को ब्राइट करता है, लाइटर बनाता है, और स्किन को बहुत ही अच्छा ग्लो एक ऐड कर देता है। तो मैं ले रही हूँ लेमन, तो लेमन को स्क्वीज कर ले रही हूँ, देखिए इतना ही लेमन लूंगी मैं। इसके बाद आप डाल लीजिए इसमें चावल, राइस फ्लावर डाल सकते हो अगर आप चाहें तो, मतलब अच्छा लगेगा, इससे स्किन में आपके अच्छा एक टाइट भी होगी स्किन आपकी, और अच्छे से ग्लास स्किन जो आजकल जो ट्रेंड में है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। इस वजह से थोड़ा सा राइस फ्लावर डाली हूँ मैं, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। और फिर आप इसको थोड़ी 5 मिनट्स के लिए आप रख सकते हो इसको बनाने के बाद, और उसके बाद आप इसको यूज़ कर लीजिए, और देख लीजिए इसको। अभी देखिए ये ज़्यादा सा वाटरी नहीं है, लिक्विड कंसिस्टेंसी में नहीं है, तो इसमें मैं रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ डाबर का। माइट पिंक ग्लो आएगा आपका फेस, एकदम चमक जाएगा, निखार इतना बेहतरीन आएगा इससे कि आप भी कहोगे हाँ ये बहुत ही अच्छा पैक है। वो ज़्यादा इंग्लिश में नहीं है, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो, टीनेज गर्ल के लिए है, क्योंकि इससे मैंने सनस्क्रीन पाउडर इसलिए लिया है क्योंकि स्किन में, अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा पिंपल्स है ना, तो उनको भी थोड़ा सा हील करता है, ठंडक प्रोवाइड करता है, और आपके जो पिंपल्स हैं वो भी सही होंगे, और उनका जो दाग धब्बे हैं उनके भी कम हो जाएंगे। तो इसलिए इसको मिक्स करके फिर आप इसको फेस पर अप्लाई कर सकते हो, एकदम फेस क्लीन होना चाहिए। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इसको किस तरह से अप्लाई करना है। मेरा
फेस एकदम सिक क्लीन है, मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया है, सिर्फ मेरा एक लिप बाम है और मैंने कुछ भी लगाया है, वो भी मेबलिन वाला लिप बाम लगाती हूँ मैं। मतलब इसका टिंटेड है ये, तो अच्छा लगता है मुझे। और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा पैक है, सिंपल सा पैक है बिल्कुल। और मैंने इसमें सिर्फ सैंडलवुड जो होता है ना, सैंडलवुड पाउडर वही इस्तेमाल किया है, क्योंकि टीनेज गर्ल है तो उनको पिंपल्स बहुत होते हैं, ऑयली स्किन होती है, इस वजह से मैंने इसमें सिर्फ ऐसे ही इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो कि उनकी स्किन को अच्छे से स्मूथ एंड उनके जो पिंपल्स हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उनके पिंपल्स भी हील हो जाएं, इस वजह से मैंने इस तरह का पैक बनाया है फ्रेंड्स। तो आप इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद पहले आप इसको अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप थोड़ी सी मसाज कीजिए, फिर इस पर फिर से एक लेयर लगाकर छोड़ दीजिए 15 मिनट्स के लिए, और फिर आप इसको वॉश कर सकते हो, उसके बाद आप जैसा चाहे मेकअप कर सकते हो। तो मैं इसको लगा लेती हूँ फटाफट, थोड़ा केयरफुली लगाइएगा, ये देखिए गिर रहा है। तो इसमें लेमन मैंने यूज़ किया है, लेमन से आपकी स्किन ब्राइट होगी, लाइटन होगी और ब्राइट भी होगी। और मैंने इसमें राइस फ्लावर भी यूज़ किया है, तो आपकी स्किन एकदम ग्लो एंड शाइनी एंड ग्लॉसी नज़र आएगी। और मैंने इसमें सैंडलवुड पाउडर, आप जानते हो मैंने कितने यूज़ किया बता चुकी हूँ मैं तो। और मैंने रोज़ वाटर ऐड किया है, रोज़ वाटर से आपकी स्किन का पीएच लेवल भी वेल ठीक रहेगा और आपकी जो स्किन के ऊपर पोर्स हैं वो भी श्रिंक एंड मिनिमाइज हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैं मसाज कर रही हूँ, और देखिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको लगाकर, इस तरह मसाज करनी है 2 मिनट्स के लिए, फिर आप छोड़ सकते हो 15 मिनट्स के लिए। देखिए निकल रहा है ना ये इस तरह से, तो आपको लगाना है, उसके बाद एक लेयर और लगा दीजिए जब स्क्रबिंग हो जाए उसके बाद, और निकालना भी आपको इसी तरह से है कि पहले आप लगा लीजिए उसके बाद आप स्क्रब करके ये निकालिए। बस 30 सेकेंड या 40 सेकेंड के लिए आप मसाज करेंगे लास्ट में जब ड्राई हो जाता है, उसके बाद अभी आप 2 मिनट्स के लिए कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने 15 मिनट्स के लिए इसको मसाज करके जब मैंने स्क्रब किया उसके बाद लगा लिया है, फिर देखिए 15 मिनट्स हो चुके हैं, तो मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। देखिए मेरा कितना मोटा मोटा लेयर लगाए थे मैंने, इसलिए ये ड्राई इतना नहीं हुआ है, लेकिन जो भी इफेक्ट मुझे चाहिए था अपने स्किन के लिए अपने फेस पर, तो वो ग्लो आ गया है। तो मैं अपने फेस को वॉश करके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स मेरा फेस एकदम ग्लो आपको नज़र आ ही रहा होगा, और बहुत ही अच्छा ग्लो आता है इसको लगाने से। मैं इसको ट्राई कर रही हूँ कुछ दिनों से, और मैंने इसको लगा के रखा हुआ था ये देखिए, तो मैं इसको लगा ही रही थी, तभी मैंने सोचा कि चलिए टीनेज गर्ल के फेस पैक बहुत ही अच्छा रहेगा, तो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कर लीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन आएगा फ्रेंड्स, तो बेल आइकन को भी जरूर हिट कर लीजिएगा, और जैसे ही आप हिट करोगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का, और आप चेकआउट कर सकते हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू लव यू।